आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, अवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो पहले हम इसके टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस धन आवरण, ठीक है। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ। मतलब आप क्या समझे, पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का एक आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं वो होता है हमारा पर्यावरण, जिसपे जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक रासायनिक कारक ये सब शामिल होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे जो जैविक घटकों में शामिल है बायोटिक हो सकते हैं, और जो अजैविक घटक जिसे एबायोटिक कह सकते हैं, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं, हमारा पर्यावरण बनाते हैं। इससे आप क्या समझे कि हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम घिरे हुए वो क्या है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र, अगर कोई भी जीव है तो ये प्रकृति में इस समाज में अकेले नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी अपनी आवश्यकताओं, आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि कोई भी जीव है वो अपने प्रजनन के लिए हो, चाहे वो अपने भोजन के लिए हो, अपनी सुरक्षा के लिए हो, ऐसी आवश्यकताओं के लिए क्या करता है, वो दूसरे जीव पर या फिर दूसरे निर्जीव घटकों पर निर्भर रहता है। वो अकेले ये जीव अपना अकेले जीवन नहीं जी सकता। इससे क्या होता है, ये जो जीव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक अंतर संबंध, एक व्यवस्था होती है उसको स्थापित करते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मतलब प्रकृति में जो छोटे बड़े सभी जीव जंतु हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जैसे भोजन, प्रजनन, जैसे मैंने बताया सुरक्षा के लिए, दूसरे निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं, जिससे प्रकृति में अंतर संबंधों के कारण एक व्यवस्था बन जाती है, ठीक है। जो निर्भरता के कारण एक व्यवस्था बन जाती है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था, ठीक है। एजी टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया था और उन्होंने बताया था कि प्रकृति में जो सभी जीव है अपने अंतर संबंधों, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जीव अकेले जीवन नहीं जी सकता, वो किसी न किसी कारण के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। तो क्या होता है, किसी न किसी कारण, अंतर संबंधों के कारण एक व्यवस्था बन जाती है जिसे आप पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो उसको सबसे पहले शब्द एजी टेंसले ने 1935 में दिया था और ये पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है, जो यूनानी भाषा के इको प्लस लोगोस से मिलकर बना है, ठीक है। ये दो शब्द से इको प्लस लोगो से मिलकर बना है इकोलॉजी, जो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन या फिर स्टडी करना वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, जो इको प्लस लोगोस से मिलकर बना है। इको मतलब क्या होता है, घर, और लोगोस मतलब क्या होती है कि उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र को कैसे घर की व्यवस्था करना के रूप में इसे समझाया गया कि घर की व्यवस्था कैसे की जाती है, उसके रूप में पारिस्थितिक तंत्र की समझाया गया कि उसकी व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया पारिस्थितिक तंत्र। अब जब सजीव जो होते हैं वो निर्जीव पर जैसे निर्भर होते हैं, उसे हम एक चक्र, पदार्थों के चक्र के रूप में पढ़ते हैं, और जो सजीव सजीव पर निर्भर होते हैं उसे हम ऊर्जा पिरामिड के रूप में पढ़ते हैं, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला के रूप में पढ़ा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक तत्व होते हैं उनका प्रवाह कैसे होता है, कौन से पोषक तत्व जो पोषण है कहाँ तक जाता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में हम पोषक स्तर पढ़ते हैं। तो पोषक स्तर मतलब
कि पोषण का जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो स्टार्टिंग होता है हमारे पाचन तंत्र में उत्पादक। उत्पादक आप जनरली समझ सकते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो निर्माण करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो हमारे हो जाएंगे प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक। तो जनरली जो होते हैं वो पौधे ही उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें वो होती है, क्योंकि उनमें क्षमता होती है कि वो अपना फूड, अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं। आपने अब जानते होंगे कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन होता है वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। इसलिए उनमें क्षमता है कि वो कुछ उत्पादन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली जो होते हैं वो पौधे ही मुख्य उत्पादक होते हैं। तो हमारा जो पाचनिक तंत्र होता है वो स्टार्टिंग होता है उत्पादक से कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो वो हमारे उत्पादक होते हैं। तो पोषक इस तरह में आ जाएंगे, पहले उत्पादक, ठीक है, अब उत्पादक हो गए। उसके बाद देखते हैं जो इन उत्पादकों को जो ग्रहण करते हैं, जो इनको उपभोग करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे उपभोक्ता, ठीक है। अब पोषण किस तरह आगे बढ़ेगी, जो पोषक इस तरह आगे बढ़ी, ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जो उत्पादक हो गए, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको जो ग्रहण करेगा, उनका जो उपभोग करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। तो उपभोक्ता में भी अब इसकी कैटेगरी आएंगी कि उपभोक्ता मतलब जो पहले उपभोग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करेगा उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। अब द्वितीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करेगा उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। तो ये प्रोसेस ये तीनों उपभोक्ता के कैटेगरीज में आएगा। तो देखते हैं, तो हमने देखा उत्पादक को जो उपभोग करेंगे उसे हम बोलेंगे उपभोक्ता। तो उसमें हमने बताया प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो जो उत्पादक पहले उसे ग्रहण करेंगे, पहले उसका उपभोग करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करेंगे, जो उपभोग करेंगे, उसे हम बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक। अभी द्वितीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करेंगे, जो उपभोग कहेंगे, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, द्वितीयक उपभोक्ता। जब तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सब उपभोग कर लिए, फिर जो तृतीयक उपभोक्ता जो सर्वश्रेष्ठ उपभोग कर चुका है, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है, उसके बाद जब वो मर जाता है तो उसे क्या होता है, उसके सड़े गए निर्जीव, उसके जो अवशेष रहते हैं उससे जो हमारे अपघटक होते हैं उसे अपघटन कर देते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जो तृतीयक उपभोक्ता की अपघटन हो जाता है, अपघटक, ठीक है। जब तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जब वो मर जाते हैं तो उनके मृत सड़े गए पदार्थों को ग्रहण करके, अवशेष पदार्थों को ग्रहण करके अपघटन कर देते हैं, अपघटक। अभी अपघटक जो पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसको क्या करते हैं, प्रकृति में पुनः इसे मुक्त कर देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो चलती ही रहती है निरंतर। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्थिर नहीं हो, निरंतर हमारे प्रकृति में चल ही रहा है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो निरंतर फिर से चलता रहता है। देखो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस प्रोसेस को। तो हमने पढ़ा हमारा पर्यावरण में पाचन तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें मैंने आपको बताया कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, बरी मतलब हमारे चारों तरफ, और आवरण मतलब हमारे चारों तरफ से घिरा, मतलब कि हम जिस चारों तरफ से घिरे हुए थे हमारा एक आवरण है, जिसे हम पर्यावरण हमारा एनवायरमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैविक अजैविक घटक सभी शामिल है, पौधे जीव जंतु सभी निर्जीव घटक सभी शामिल है। तो ये सब बन के हमारा क्या बनाता है, हमारा पर्यावरण बनाते हैं। फिर मैंने बताया पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि मैंने बताया आपको, जो जीव होते हैं वो प्रकृति में या फिर समाज में अकेले कभी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, अकेले कोई भी जीव जीवन नहीं जी सकता। तो क्या करता है, वो किसी न किसी आवश्यकताओं के लिए या तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या तो निर्जीव घटकों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप भोजन के लिए हो, प्रजनन के लिए हो, अपनी सुरक्षा के लिए हो, तो छोटे बड़े जो सभी जीव होते हैं अपनी इन आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं, आधारभूत आवश्यकताओं
उपभोक्ताओं के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो प्रकृति में इन अंतर संबंधों की एक व्यवस्था बन जाती है जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का शब्द किसने दिया था, एनजी टेस्ले ने दिया था 1935 में। ये था हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो जीवों के बीच अंतर संबंधों की एक व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अब अगर सजीवों पर जो निर्भरता होगी उसको हम किसमें स्टडी करेंगे, किसमें अध्ययन करेंगे, खाद्य श्रृंखला के रूप में स्टडी करेंगे और खाद्य जाल के रूप में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सजीवों पर जो निर्भरता होगी और सजीवों और निर्जीवों के बीच की जो निर्भरता होगी या तो वो हवा पानी भोजन जलवायु के प्रभाव से होगी, ठीक है, तो उसको हम पदार्थों के चक्र पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उस शाखा को अध्ययन करना इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जो इकोलॉजी होता है वो किससे, इको प्लस लोगों दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इको को मैंने बताया, इको मतलब होता है घर, लोगों मतलब होता है कि एक व्यवस्था। तो बेसिकली जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि घर की व्यवस्था के रूप में पारिस्थितिक तंत्र को समझाया गया है। तो आपने समझ गया कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। फिर मैंने बताया कि जो पारिस्थितिक तंत्र में वो ऊर्जा का प्रवाह या फिर पोषण इस तरह कहाँ से कहाँ जाती है। तो स्टार्ट होगा हमारे उत्पादक से। तो उत्पादक क्या होंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, जो निर्माण करेंगे, जो उत्पादन करेंगे वो हमारे हो जाएंगे उत्पादक हो जाएंगे, जो हमें प्राथमिक श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो ये उत्पादक से ही हमारा पारिस्थितिक तंत्र स्टार्ट होगा या प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो उत्पादक जिसको ग्रहण करेंगे, जो उत्पादकों को जो ग्रहण करेंगे, जो उपभोग करेंगे उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका भी जो श्रेणी होगी, इनकी कैटेगरी होंगी क्या होगा, जो पहले ग्रहण करेंगे उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करेंगे उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता को जो ग्रहण करेंगे, जो उपभोग करेंगे उसे तृतीय उपभोक्ता कहेंगे। फिर जब क्या होता है, ये क्या होता है, उपभोक्ता की श्रेणी की सबसे बड़ी हो जाती है सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी जो बच जाते हैं, उन क्या होता है, जब वो मर जाते हैं, जब उनका जीवन समाप्त हो जाता है तो जो उनके अवशेष बचते हैं उनके मृत सड़े गए पदार्थों से जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका अपघटन करते हैं। जो उनका अपघटन करते हैं तो उसको हम अपघटक बोलते हैं। तो लास्ट में हमारा बचेगा अपघटक। तो क्या करते हैं, जो अपघटक होते हैं उनके जो सड़े गए जो मृत जीव पदार्थ है उनको अपघटन कर देते हैं और जो पदार्थ होता है उसको प्रकृति में पुनः मुक्त कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है जो इस तरह होती है वो निरंतर चलती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती है, मतलब स्थिर नहीं रहती है, ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है। तो आपने अभी तक ये सब पारिस्थितिक पर्यावरण को अच्छे से समझ गया होगा, पोषण की तरह समझ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि धान के खेत में आप पारिस्थितिक तंत्र को समझाइए कि पारिस्थितिक तंत्र धान के खेत में कैसे होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उत्पादक
खेत के अंदर जो भरा हुआ पानी उसमें पनपने वाले जीव और जो जो खेत में आते जाते जीव रहते हैं वो जीव, ठीक है, या फिर पौधों में पनपने वाले जीव, ये सभी मिलकर एक व्यवस्था पाषी तंत्र की व्यवस्था बना देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो धान के खेत पाषी तंत्र में देखते हैं, मान लो पक्षी खाता है, तो ये पक्षी को क्या बोलते हैं, लोमड़ी खा सकता है, ठीक है।
पक्षी को, ठीक है, या फिर इन पक्षी को लोमड़ी खा सकता है। और क्या हुआ, जो मान लो उसमें कोई जीव बनाते हैं, पौधे में जीव बनाते हैं, तो इसे मछली खाएगी, तो मछली को क्या होता है, मछली को भी उल्लू खा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, मछली को मनुष्य भी खा सकता है और ये लोमड़ी भी खा सकती है, ठीक है। अब मान लो इसी पौधों को कोई शाकाहारी कीट खा रहा है, शाकाहारी कीट खा रहा है, ये शाकाहारी कीट को कोई मांसाहारी कीट खा रहा है, मांसाहारी कीट को कोई मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा लेगा, सांप खा लेगा। मान लो शाकाहारी कीट को कोई मकड़ी खा रहा है, तो मकड़ी को कोई कीट पक्षी पर जो पक्षी है वो खा लेगा, उसके बड़े कीट पक्षी पक्षी को क्या, सांप खा लेंगे। इन दोनों के बीच में एक भी परस्पर संबंध हो जाएगा, या तो मकड़ी मांसाहारी कीट छोटे को खा लेगी, या फिर मांसाहारी कीट ये मकड़ी को खा लेगी, ठीक है। ये मांसाहारी कीट को कीट पक्षी ये भी खा सकते हैं, इस तरह का एक और खाद्य श्रृंखला बन जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या देखा, मैंने आपको पहले खाद्य श्रृंखला जो फूड चैन बताया कि धान के खेत में चैन कैसे बनेगा, फूड चैन कैसे बनेगा, या फिर जो खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी, जिसमें मैं आपको सिंपली फॉर्म में बताया था कि जैसे पौधे हैं तो वो पौधे को कोई खा लिया, सांप जो हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, अब वो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब चूहों को कोई खा लिया, सॉरी वो पौधों को खा लिया चूहा, तो चूहा को कोई खा लिया सांप जो हमारा द्वितीय उपभोक्ता हुआ, और सांप को कोई खा लिया बाज वो हमारा तृतीय उपभोक्ता। तो मैंने उसमें आपको प्रोसेस बताया कि पोषक किस तरह कैसे जा रही है उस पारिस्थितिक तंत्र में, और वो खाद्य श्रृंखला किस ओर जा रही है, तो वो तो हमारा धान के खेत का पारिस्थितिक मतलब की खाद्य श्रृंखला थी। अब जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है तो वहाँ एक ही खाद्य श्रृंखला नहीं हो रही धान के खेत में, तो बहुत सारे जीव आ रहे हैं, तो अलग सब अलग अलग अपनी चैन बना रहे, फूड चैन बना रहे, अलग अलग खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं। तो क्या होता है, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती है तो क्या होता है, एक जाल बना देती है पूरी फूड क्या बोलते हैं उसको, खाद्य जाल बोलते हैं, फूड ट्रैप बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें आते हैं, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि जैसे कि ये देखो, ये एक श्रृंखला हो गई, दूसरी श्रृंखला हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कई सारी श्रृंखला आपस में ये जुड़ रही है, आपस में एक संबंध बना रही है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको कि बहुत से जब खाद्य श्रृंखला बन जाती है तो खाद्य जाल बनाती है, जो हमारे धान के खेत का क्या बोलते हैं इसे, खाद्य जाल है, कृषि तंत्र को जो दर्शाता है, जैसे मैंने आपको बताया पौधे हमारे उत्पादक हो गए, जो खरगोश ग्रहण करे, गिलहरी ग्रहण करे, चूहा कर रहा है, बीज खा रहे, पक्षी कर रहे, शाकाहारी कीट, और ये आपस में खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं। और ये खाद्य श्रृंखला इसी तंत्र का है ना, इस तंत्र का धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र है, तो उसमें एक जाल बना दी उन्होंने, खाद्य जो श्रृंखला है वो आपस में मिलकर एक जाल बना दी है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को शो कर रहा है कि सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। तो आज हमने पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र देख लिया, धान के खेत में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल देख लिया, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को शो करता है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।